वाईफाई वाले यार बहुत परेशान कर दे, बहुत चुतियापा कर रहे हैं। एयरटेल का फाइबर है, आप लोग के भी साथ भी ऐसा कभी हुआ है मुझे थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे से लाइफ में फर्स्ट टाइम, लेकिन ये जी हमेशा जो है ना स्मेल करते रह रहा है। ये पूरा बनारस शहर है भाई साहब, देखो आप। Please ignore this message as no action is required from your end. रोज रोज एकदम टाइट हो जा रही है, रोटी ऐसी थोड़ी होती है यार। ये देखो जी ये वेट नापने वाला है। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ये अपने उल्टे हाथ से ब्रश करने का, 2 दिन तो हो गया, आज तीसरा दिन है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है ना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, हर हर महादेव आप सभी लोगों को। तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, 7:53 हो रहा है और अभी मैं भी जस्ट सो के ही उठा हूँ। मैं जा रहा हूँ गर्म पानी पीने, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हर हर महादेव। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब। आज धूप हुई है बहुत ज़्यादा, कल रात से यार वाईफाई नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, नेट का इशू है। मैंने कल फ़ोन भी किया था तो कह रहा है कि आधे घंटे में सही हो जाएगा, बट आधे घंटे में सही नहीं हुआ, पूरी रात अभी तक नहीं चल रहा है। सोच रहा हूँ इसके बारे में क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है बट देखो क्या होता है। मौसम सही हुआ है ना, धूप है, देखो कुत्ते सब सो रखे हैं वहाँ पे, एक ठो इधर एक ठो वहाँ पे। चलिए जी, वैसे कल तो हमारी अंकल जी से बात हुई थी, तो कल वाली मैं आप लोग को बात बता रहा हूँ कल के दिन में हमारे क्या हुआ। अचानक हर्ष भैया से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि अंकल जी को एडमिट कर दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि हो सकता है 1-2 दिन एडमिट रहे, एबल होंगे वीडियो शूट करने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो फिर मना कर देंगे अगर तो नहीं जा पाऊंगा, है ना। और अब मैं ब्रश व्रश कर लेता हूँ। देखो कल जो मैं वीडियो एडिट करता हूँ जिस सॉफ्टवेयर से, उसका नाम है कैपकट, ठीक है। तो कैपकट से मैं यूज़ करता हूँ, तो कल रात को मेरा जो वाईफाई है वो चल नहीं रहा था, नेट का इशू था बहुत ज़्यादा, फ़ोन का मेरा नेट खत्म हो गया था। तो मैं जो विंडोज़ फाइल होती है ना लैपटॉप का, वो बहुत ज़्यादा फुल दिखा रही थी, तो मैं उसको क्लियर कर रहा था। क्लियर करते करते यार बहुत सारी ऐसी फाइल जो थी खुद की लैपटॉप की सिस्टम की जो फाइल होती है वो हमसे उड़ गई, और कल मेरा नेट चल नहीं रहा था, इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर पाया उसको दोबारा और वीडियो भी अपनी एडिट नहीं कर पाया। तो आज देखो फटाक से ब्रश वॉश कर लेते हैं। वैसे भी अभी मैं चेक किया हूँ वाईफाई नहीं चल रहा है, अभी मैं फोन करूंगा वाईफाई वाले को और पता करता हूँ कि मतलब क्यों नहीं चल रहा है। कल तो बोल रहा था कि ऐसे वायर वायर कहीं टूटा होता है, काम वम चल रहा है, इसलिए तो मैं सोचा चलो ठीक है आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, फिर 10 बज गए 11 बज गए यार ठीक ही नहीं हुआ। तो वही सब काम करना है आज मुझे, मैं जा रहा हूँ फटाक से ब्रश, ये जो ब्रश कर रहा हूँ ब्रश कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा लैपटॉप में अपने सारी चीज़ें डाउनलोड करूँगा, उसके बाद मुझे कल वाली वीडियो भी अभी एडिट करनी है ना। और यार अंकल जी से अभी तक मेरी बात नहीं हुई है, अभी हर्ष भैया को मैसेज किया हूँ कि बताइए आज क्या करूँ, आज आऊँ या ना आऊँ। तो देखो मैसेज का रिप्लाई करेंगे, पता नहीं मैसेज आ रहा था किसी का, रुको वेट करते हैं, देखते हैं उन्हीं का है कि किसी और का है। देखो उन्हीं का मैसेज आया है, रहने दीजिए भैया अभी बताता हूँ मैं, आज भी क्या ही हो सकता है। तो मतलब अंकल जी की तबीयत आज भी खराब है, थोड़ा सा उनको रिलैक्स किया जाए, मतलब लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए। तो 3-4 दिन वैसे भी हो गया और मान लो कल तक एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो वैसे भी इतनी जल्दी तो काम कर नहीं सकते हैं, वैसे भी मार रहता तो वैसे भी काम करने का मन नहीं करता है। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा उनको भी आराम करने देते हैं, मैं भी थोड़ा सा फ्री हूँ तब तक अपना काम वाम कर लेता हूँ, 2-4 दिन जब तक भी फ्री हूँ। और बस यही सब बातें यार लाइफ में चल रही हैं, है ना। आप लोग मेरा नाम नहीं जानते हो ना, अगर फर्स्ट टाइम आओगे तो मेरा नाम नहीं जानते होगे, और आप लोग रेगुलर व्यूवर्स हो तो मेरा नाम जानते होगे, मैं हूँ करण श्रीवास्तव और मैं रोज का डेली ब्लॉग में अपना शूट करता हूँ और आप लोग को देखने को मिलता है कि मैं पूरे दिन में करता क्या हूँ, है ना। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ये अपने उल्टे हाथ से ब्रश करने का, 2 दिन तो हो गया, आज तीसरा दिन है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है ना। कुछ अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। देखो 3 दिन मैं किया हूँ, 3 दिन में हल्का फुल्का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, बट हाँ हो जा रहा है अच्छे से। चलो जी ये अपना हाथ वाथ भी धो लेते हैं, और इधर देखो धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखा है यार, जिस अकॉर्डिंग मौसम हो रहा है ना उस अकॉर्डिंग धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई साहब। तो यही सारी चीज़ें हैं, चलो मैं फिलहाल ब्रश वश भी कर लिया, अब थोड़ा पीते हैं गर्म पानी, क्योंकि रोज सुबह से उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, मैं आप लोग को भी बोलता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ, आपकी हेल्थ जो है हमेशा सही रहेगी, है ना। और ये देखो खाना रखा हुआ है, ये हम लोग अभी चलते हैं और ये खाना हम लोग गाय को खिलाते हैं, और गाय को खिलाने के बाद आते हैं, फिर हम लोग गर्म पानी पियेंगे, चाय भी पियेंगे, ठीक है। चलो मैं ब्रश रख के आता हूँ, फिर मैं ये खाना लेके जाता हूँ और गाय को खिलाता हूँ। ये देखो रोटी भाई साहब, रोज रोज एकदम टाइट हो जा रही है, रोटी ऐसी थोड़ी होती है यार, है ना। रोटी थोड़ी नॉर्मल होती है लेकिन रात भर ऐसे पड़ी हुई है ना ठंडे में, तो ये एकदम टाइट हो गई है। चलो इसको ऐसे ही ले जाके खिला देता हूँ गाय को। Thank you.
वैसे यार पता है मैं 3 दिन से इन सबको खिला रहा हूँ और एक दिन मैं खिलाया तो मेरे हाथ से ये सब खा लिए, और कल तो मैं वो छोटी वाली गाय को खिलाया था, नहीं कल मैं दोनों को खिलाया था कल, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना था। देखो यहाँ पे बैठी हुई है सब, इस छोटी वाली को खिला देते हैं। आराम से रख लो और खाते रहो। तो चलिए फिलहाल ये भी काम में कर दिया, और सुबह सुबह गौ माता को कुछ कुछ खिलाना चाहिए यार, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, अब मैं फटाक से जाता हूँ घर में। गला थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना बैठा बैठा, गर्म पानी पीना ज़रूरी होता है रोज सुबह उठ के। धूप इतने ज़्यादा है कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है यार थोड़ा भी। चलो एक चीज़ मैं बता दूँ, तब तक मम्मी पानी गर्म कर रही है, मैं सोचा कि मुझे खुद ही गर्म करना पड़ेगा, बट किचन में गया हूँ तो मम्मी पानी गर्म कर रही है, फिर हम लोग बैठ के पानी पीते हैं। तब तक मैं अपना सिस्टम वाला काम देख लूँ। कहाँ चला था? हाँ तो पानी गर्म हो गया। चलो ये मेरा पानी भी गर्म हो के आ गया है, और यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप भी ऑन कर लिया हूँ। वैसे मेरे फ़ोन में 1.5-2 GB डाटा तो बचा ही होगा, बट उतने में मेरा जो है वो डाउनलोड तो हो जाएगा, अपना काम भी चल जाएगा, बट वाईफाई की मुझे नीड तब पड़ेगी जब वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर वाईफाई वाला सही हो जाता है, नेट चलने लगता है तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं चलता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल ये पानी वानी भी पी लेते हैं और ये काम भी कर लेते हैं। और मैं ये पानी वानी का जो गर्म पानी पी रहा था वो मैं पानी पी लिया हूँ, और फिलहाल मेरे पास ये चाय भी आ गई है, और यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड भी हो रहा है, जो मैं एडिट करता हूँ कैपकट से, फ़ोन से ही कनेक्ट करके मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो चलो फिलहाल मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ और ये अपना चाय भी पी लेता हूँ। हाँ मनोज भैया ये कह रहा है कल आप बोले थे आधे घंटे में सही हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं भैया। हो गया भैया, चालू हो गया सारा एरिया, चालू हो गया कल ही रात को, एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए। अच्छा वो सेटअप ऑन ऑफ कर ले, ठीक है भैया। चलो वाईफाई थोड़ा सा ऑन ऑफ करके देखते हैं, उन्होंने बोला है करके देखते हैं क्या होता है। 3-4 मिनट टाइम लेगा रिस्टार्ट होने में, रिस्टार्ट हो जाता है फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। कैपकट 606 MB डाउनलोड हो गया है और 621 MB की फाइल है, और 606 MB पे आके वो बेचारा रुक गया है। अब मैं सोचा हूँ कि भाई 10 MB की बात है, अब मैं 10 MB कहाँ से लाऊँ, फिर मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचा हूँ फिर उसको पहले फ़ोन करके वाईफाई वाले भैया से बात कर लेता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो भाई बात किया हूँ तो बोले उसको ऑन ऑफ कर लीजिए, कल रात का ही हम चालू कर दिए उसको। तो चलो फिलहाल इसके बाद मैं जाऊँगा, अगर डाउनलोड हो जाता है तो मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगा, और नहाना होना भी है, थोड़ा बहुत काम भी है मेरे को, उसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, अभी डाउनलोड हो गया है, देखिए खुल भी गया। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मुझे एडिट करना है। तो चलो फिलहाल चलते हैं दुकान पे और ये दिखा के और लेके आते हैं बैटरी, ठीक है। सुबह ही सुबह अभी निकला हूँ टहलने के लिए, कल तो मैं निकला ही नहीं था बाहर, और देखो आज निकला हूँ। चलो मैं फिलहाल ये बैटरी वैटरी अपना जो भी सिस्टम करना है मैं इसको ले लूँ, देखता हूँ किस दुकान पे मिलेगा। वैली ये वाली बैटरी है आपके पास, रिमोट वाली है, कोई भी किसी भी कंपनी का चल जाएगा, बस ये साइज होना चाहिए बैटरी का, वो वाला तो नहीं लगेगा। हाँ वो वाली लग जाएगी, हाँ लग जाएगा, लग जाएगा, ले आई वही लगता ही है। हाँ सेम साइज लग जाएगा। कितना रुपये हुआ आपका? हाँ ये ले लिया। चलो जी मैं फिलहाल अपना ये जो बैटरी वैटरी का सिस्टम था ये सब ले लिया, अब मैं निकल रहा हूँ रूम पे, और चलो आप लोग से रूम पे मिलता हूँ, ठीक है। Government of India. Please ignore this message as no action is required from your end. भाई साहब रुको मैं बता रहा हूँ ये वो कह रहा है, थोड़ा सा लाइट ऑन कर लो फिर मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। देखो ये मैं अचानक से ना बैठ के आ गया, देखो यहाँ पे मैं आपको एडिटिंग कर रहा था, अपने वीडियोस का एडिटिंग कर रहा था यहाँ पे, और भाई साहब ये अचानक से फोन पता नहीं क्यों बजने लग रहा है यहाँ पे, देखो इमरजेंसी अलर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इमरजेंसी अलर्ट, और अचानक से भाई बंदे पूरा आवाज किया है और ये बजने लगा है, पता नहीं मैं तो डर गया हूँ कि फट उठ ना जाए फोन। दिस इज अ सिंपल टेस्टिंग मैसेज, ये नॉर्मल टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट के थ्रू आया हुआ है, ये अलर्ट दिखा रहा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है भाई साहब। हट गया मैं यार एकदम अचानक से। यू आर करेंटली रिसीविंग वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट, और यहाँ पे वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम थ्रेड, ये सारी चीज़ें मेरी ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये यार मैं अचानक से सही बता रहा हूँ मैं डर गया हूँ थोड़ा सा, अचानक से ये क्या हो गया मेरे फ़ोन में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इमरजेंसी अलर्ट वाला सिस्टम यार मुझे दिखा रहा था, मैंने उसको कट कर दिया है। आप लोग के भी साथ भी ऐसा कभी हुआ है मुझे थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे से लाइफ में फर्स्ट टाइम जब से मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तब से मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे कोई फ्रॉड कर रहा होगा, बट डायरेक्ट स्क्रीन पर मैसेज आ गया और ऐसी ऐसी आवाज़ करने लगा है ना, इमरजेंसी अलर्ट की जो आवाज़ होती है, मैं थोड़ा सा डर
डर गया हूँ, मैं तुरंत कैमरा ऑन किया हूँ और फटाक फटाक रिकॉर्डिंग करके आप लोग को भी सुनाने लगा हूँ। सच्ची बताऊँ कसम से यार, मैं डर गया हूँ। ये क्या होने लगा भाई साहब, मुझे लगा है फोन उन फट ना जाए भाई साहब, ऑटोमेटिक इमरजेंसी अलर्ट आ गया है। यहाँ पे देखो नेटवर्क कैसे आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं डर गया हूँ। इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। तो भाई साहब देखो, मैं आप लोग से बोल रहा था ना कि वो जो फोन वाइब्रेट किया है वो क्यों किया है, तो आप लोग से मैं बोल रहा था कि आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि वो क्यों हुआ है। लेकिन अभी मुझे पता लग गया, देखो ये भैया मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं कि आज अचानक वाइब्रेट हो सकता है आपका मोबाइल, और ये कुछ उनको कोई भेजा होगा तो उन्होंने देखो भेजा यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है घबराए नहीं, ये सिर्फ अलर्ट मैसेज है, आपके मोबाइल पर अचानक कंपन वाइब्रेशन के साथ अलग किस्म का आवाज आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको आपदा के प्रति सतर्क करेगा, यह वास्तविक आपदा का संकेत नहीं होगा। तो ये कोई गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट के द्वारा ही मतलब ये सब हुआ था। मैं आप लोग से पूछ रहा था ना कि मैं तो डर गया था उस टाइम, लेकिन देखो अभी इन्होंने भेजा है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज, तो मैं इसको देखा हूँ पढ़ा हूँ। मेरा पहले क्या हुआ है कि मेरा पहले अलर्ट आया, उसके बाद मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। पहले ही पता हो गया था तो मैं डरा नहीं होता यार, है ना, लेकिन अचानक से ये मैसेज आ गया तो मुझे पता चल गया कि ऐसा हुआ क्यों। नहीं तो मैं तो यार सोचता रह जाता कि आखिर क्यों हुआ है। लेकिन जो भी जानकारी है आप लोग को मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग के भी साथ ऐसा हुआ होगा। तो अगर हुआ है तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए। नेटवर्क कम्युनिकेशन वाला तो ये सबके फोन पे ऐसी अलर्ट भेजी जा रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप लोग के साथ भी हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। ठीक है, चलो अब मैं अपना काम जो है कंटिन्यू करता हूँ। यार एक चीज बताऊँ आप लोगों को, मैं तभी से देखो यहाँ पे काम कर रहा था, सोया था, ये वीडियो भी एडिट हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, बट उतने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ और मेरा काम देखो रुक गया है। आज है 10 तारीख और आज 10 तारीख को जो मेरा वीडियो अपलोड होने वाला था वो यार मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो वैसे भी अभी कितना टाइम हो रहा है, 1:04 होने वाला है ना, तो 1:04 होने वाला है और मेरी रोज जो वीडियो आती है वो 4 बजे मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो आज वाली वीडियो मैं पब्लिश नहीं कर पाऊंगा यार, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। अगर 1.5 घंटे के बाद भी अगर वाईफाई वाला आके बना देते हैं या फिर कनेक्शन चालू हो जाता है तब तो ठीक है, वरना आज मैं ब्लॉग नहीं अपलोड करूंगा, या फिर अपलोड भी करूंगा तो लेट लपेट अपलोड करूंगा। ठीक है, तो कभी कभी ये सब सिचुएशंस आते रहते हैं लाइफ में, बट हाँ थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। चलो वैसे भी 1 बज गया है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ, नाश्ता भी नहीं किया हूँ, तो अब चलते हैं कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर अपना देखते हैं इसका कुछ सिस्टम लगाते हैं। और जो अलर्ट वाला मेरे पास मैसेज आ रहा था उसका तो मैंने बता ही दिया कुछ नेटवर्क इशू है, तो मुझे लग रहा है कि इसी वजह से वाईफाई वाला भी कनेक्शन जो है डाउन चल रहा है, बंद चल रहा है, तो बस यही सारी प्रॉब्लम्स है। चलो उठते हैं और खाने का इंतजाम करते हैं, आ जाओ। वैसे यार ये वाला सिलेंडर आप लोग देखे थे ना कल वाली वीडियो में, मैं आप लोग को दिखाया था इसके बारे में, ये बड़ा यूनिक सा है यार। आप लोग थोड़ा सा कमेंट अभी तक कोई नहीं किया, मुझे कोई नहीं बताया इसके बारे में, सिलेंडर यूनिक सा है, बहुत ही मुझे यूनिक सा लग रहा है। टोटल प्लास्टिक का है, हल्का भी है, बहुत ज्यादा हल्का है, तो ये इंडियन का है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा तब मैं इसको यूज करूंगा, वरना मैं अभी यूज नहीं करूंगा। लेकिन ये जी हमेशा जो है ना स्मेल करते रह रहा है, तो इससे बचने के लिए मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा, वैसे मैं 1-2 लोग से बात भी कर ले रहा हूँ कि क्या ऐसा सिस्टम है, सबके घर में ये सिलेंडर सप्लाई हो रहा है या फिर मतलब यहीं पे है। मैं कल भी आप लोग से पूछा था लेकिन आप लोग ने कमेंट नहीं किया था। ये हमारे यहाँ प्लास्टिक वाला आया है सिलेंडर, और इसके बारे में थोड़ी सी आप लोग हमें जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर जानकारी मिल जाएगी तो मैं भी दुर्घटना से बच सकता हूँ। दुर्घटना का मतलब समझ रहे हो, गैस उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, है ना। और खाना वाना मैं ले लूँ थोड़ा सा, ये 2-4 रोटी, मैं 4 रोटी खाता हूँ यार। देखो एक बात बताऊँ आप लोगों को, मम्मी है तो थोड़ा सा समस्या नहीं हो रहा है, खाना वाना बना दे रही है वो टाइम से, बट मम्मी चली गई थी गांव पे जब उनकी तबीयत खराब थी ना, तो गांव पे चली गई थी तो मैं अकेले सारा काम करता था, बनाता था शाम का सुबह का सारी चीजें करता था, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो मम्मी आ गई है तो सही रहता है, मतलब खाना वाना तो टाइम से मिल जाता है, खाने वाने में समस्या नहीं होती है, और मेरा जो टोटल फोकस है अपने काम पे होता है, और आज का मेरा ये खाना है। चलो जी खाना भी आ गया अपना। चलो तो अब मैं अपना ये खाना वाना जो भी सिस्टम है खाने का मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दिमाग काम करेगा हमारा कि करना क्या है लैपटॉप में, कैसे हमको अपना काम निपटाना है। और एक बार अभी भी मैं फोन करूंगा वाईफाई वाले को, है ना। चलो रुको मैं अभी लाइव फोन कर रहा हूँ, फोन करके उससे मैं पूछता हूँ कि भैया क्लियर बताओ कि बन जाएगा कि नहीं बनेगा, वरना मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा ना यार, वाईफाई वाला कहीं देखूंगा किसी का। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, सभी लोग फोन कर रहे होंगे यार, परेशान हो जाता हूँ। हाँ मनोज भैया, कह रहा हूँ ना कि मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो आप अगर टाइम बता देते मुझे कि मतलब कब तक चालू हो जाएगा कनेक्शन, तो मैं अपना काम करता ना। सर वो तो बना रहे हैं, कैसे बताएं।
चलो वो फोन करके मुझे बता देंगे कितना टाइम लगेगा। उसके बाद अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो यार देखो और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अब वैसे भी वीडियो 6-7 GB की होती है तो मैं रिचार्ज तो नहीं करने जाऊंगा 6-7 GB। वैसे भी वाईफाई का भी पैसा दो, इसका रिचार्ज करके अपलोड करो वीडियो, तो कोई मतलब है नहीं, है ना यार। मेरी एक आदत बहुत खराब है, मैं खाना वाना कुछ भी आता हूँ खाने के लिए तो मैं खाना तो मतलब रख देता हूँ, आप लोग से बात करने लगता हूँ और खाना खाने के बाद देखता हूँ क्या होता है। तो यार देखो बात ये है कि मैं खाना वाना तो खा लिया हूँ, पानी वानी भी पी लिया, सब कुछ सेट हो गया है। मैं नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ था कुछ देर तक और मेरा सारा जो काम था वो हो गया है। बस जो काम वाईफाई से होने वाला था वो काम अभी नहीं हुआ है, बाकी है। तो मैं खाना वाना भी खा लिया हूँ और मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन कर रहा है, थोड़ा सा नींद आ रही है। जब आप खाना खाओगे तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन नाम की एक रसायन क्रिया होती है, उसे इंग्लिश में मैं नहीं बता सकता, ऐसे पढ़ा हूँ तो मुझे याद हो गया है। तो वो बॉडी में हमारी रिलीज होने लगती है, रिलीज होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा थकान आएगा और आपको नींद आती है। तो वही सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है, मैं खाना वाना खा लिया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने सोने के लिए, क्योंकि वैसे भी मेरा काम होगा नहीं, नेट है नहीं तो मेरा काम नहीं होगा, नेट है तो मैं पूरा दिन काम करता रह जाता हूँ। और मैं अब जा रहा हूँ थोड़ा सा सोने, वाईफाई चल ही नहीं रहा है, नेट थोड़ा भी चल नहीं रहा है। मैं अभी सो के उठ गया, मैं 2 बजे करीब आप लोगों को बताया था ना, उसके बाद मैं सो गया 1.5-2 घंटे मैं सोया हूँ। सो के उठा हूँ, अलार्म ही लगाया था वो भी नहीं बजाया, अचानक से नींद खुल गई है। मैं उठा हूँ देखा हूँ तो वो भी नेट नहीं चल रहा है यार, आज तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगी। बोल रहे हैं भैया ट्राई कर रहा हूँ, मेरा पूरा काम ही नहीं हो पाया यार, आज का दिन मेरा पूरा टोटली चौपट हो गया, कोई काम ही नहीं कर पाया, मेरा मूड ही ऑफ हो गया एकदम से। चलो यही सब है, थोड़ा सा सो के उठाओ ना, अजीब सा लेजी जैसा मन हुआ है मेरा। तो आधे घंटे थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहावा लेता हूँ, तो फिर आप लोग से मिलता हूँ और सारी चीज़ें आप लोग को डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। बात यह है कि मैं नहावा के रेडी हो गया हूँ और यार नहाने के बाद बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार, माइंड एकदम फ्रेश हो गया, वरना टेंशन में माइंड पड़ा हुआ था वाईफाई को लेकर, आज सच्ची में मुझे बहुत परेशान किया है। ये क्या है भाई साहब, बड़ा यूनिक सा है ये, देखो जी ये वेट नापने वाला है, 5 kg तक जो वेट आप है नाप सकते हैं, ये बड़ा यूनिक सा तराजू है यार। मैं सोच रहा हूँ 5 kg से ज्यादा नाप के देखो इसका क्या होता है, लेकिन मीटर जो इसका है ना ये मीटर एरर हो जाएगा। मैं आया था किचन में पता है किस लिए, ये भाई साहब पपीता, थोड़ा सा अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है ये। मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बाहर और ये मैं कपड़ा लिया हूँ, भैया कपड़ा है इसको थोड़ा सा देना था वहाँ प्रेस कराने के लिए, है ना। देखो शाम हो गई है, शाम को निकलते वक्त बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडा ठंडा हवा भी चलता है। चलो फिलहाल मैं ये कपड़ा वपड़ा दे देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। और अनिल भैया ठीक बड़ा अनिल भैया भी यहाँ पे बैठे थे बेचारे, आराम से मजे ले रहे हैं भाई। प्रेस करेंगे बटे, हाँ 8 बजे के बाद दिया हमके, 9 बजे हमके दे दिया प्रेस करके। हाँ चलो यहाँ पे इनका कपड़ा भी दे दिया हूँ, प्रेस तब तक हो जाएगा 9 बजे तक, फिर आके मैं रिसीव कर लूँगा। क्या वो भाई हाँ कैमरा है, हाँ हाँ करण श्रीवास्तव। और अनिल भैया क्या हाल चाल बा, इन्हीं क्या मैं बाल बाल कटाया था अनिल भैया क्या, और सब बढ़िया बा, यात्रा निकलानी है वेट काली भाई। चलो फिर अब यहाँ का काम भी खत्म हो गया थोड़ा सा, देखो शाम के टाइम में मेरा मूड भी फ्रेश हो गया है, दिन में अजीब अजीब सा हुआ था मन यार मेरा था, क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा था, बोरिंग से फील होता, जितना काम करना तो ऑफलाइन मैंने उतना तो कर लिया था, बाकी सब काम जो है रह गया था मेरा। रुक जा यार पता है आप लोग को, मैं यार छतवा पे चढ़ने पे सांस फूलने लगती है, सीढ़ी है बहुत ज्यादा लंबी। और देखो अभी मैं आ गया हूँ छत पे, अभी मैं गया था वहाँ पे कपड़ा वपड़ा दे के आया हूँ भैया का। देखो जब रात को आता हूँ तो आप लोग देखे होगे कभी कभी ब्लॉग में देखे होगे, यहीं पे बैठता हूँ आराम से। ऊपर चलो ऊपर से आप लोग को नजारा दिखाता हूँ। नहीं है पतंग यार, नहीं है तो चलो मैं आप लोग को ये परेशान कर देते हैं यार पतंग के लिए। पता है देखो अभी पतंग उड़ रहा है कितना ज्यादा, इधर भी उड़ रहा है, उधर भी उड़ रहा है, उधर भी उड़ रहा है, हर जगह पतंग ही पतंग उड़ रहा है। तो आप लोग को पता है पतंग कट के किसी ना किसी के छत पे जाके जाता है, जैसे ही मैं आता हूँ छत पे सब चिल्लाने लगते हैं भैया पतंग गिरा छत पे, तो इन लोगों को देख के बताना पड़ता है नहीं भाई नहीं गिरा हुआ है, और गिरा होता तो मैं दे भी देता हूँ इन सबको। अल्टीमेट लग रहा है ना ये पूरा बनारस शहर है भाई साहब, देखो आप छत पे आके मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पे सुकून मिल रहा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मुझे तो मजा आ रहा है भाई साहब, है ना। सुबह से सारा दिन घर में रहा, सुबह उठा काम किया, वाईफाई वाले यार बहुत परेशान कर दिए, बहुत चुतियापा कर रहे हैं। एयरटेल का फाइबर है, देखो अभी 5:37 हो रहा है, 6 बजे तक मैं जाके एक बार ट्राई करूंगा, देखता हूँ ऑन होता है कि नहीं होता, क्योंकि यार वीडियो अपलोड नहीं होगी तो काम भी नहीं हो पाएगा ना, मान लो सारी वीडियो स्टॉक में पड़ी हुई है और डेली ब्लॉग है तो डेली अपलोड ना करूँ 2-4 दिन बाद करूँ तो क्या मतलब है उसका। और एयरटेल की भाई साहब अब सर्विस का क्या बताऊँ, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, एयरटेल वालों ने मेरे साथ ऐसा किया है, पता नहीं यहाँ के पूरे कॉलोनी के साथ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब,
बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के मतलब शाम के टाइम में ना यार आके एंजॉय करते हैं छत पे। बस यही करता हूँ मैं, थोड़ा सा आऊंगा छत पे, आराम से बैठूंगा और क्या बताऊँ। आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते और ना मैं जवाब देता। मैं सोच रहा हूँ कि चलो इस बार संडे को मैं लाइव आऊंगा, जिन्होंने मुझे कमेंट में बोला है जो भी कुछ बोला होगा, चाहे कीप इट अप या फिर, तो सबको मैं लाइव आके एक बार थैंक यू बोलूंगा। चलो फिलहाल मैं मौसम का एंजॉय करता हूँ थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे और शांति सुकून से थोड़ा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि आधे घंटे बाद जाके नीचे वाईफाई वालों को भी चेक करना है। वैसे एक चीज बताऊँ आप लोग को, जो वो लड़का पतंग मांग रहा था ना, वो बहुत लकी है, पता है क्यों? आ जाओ दिखाते, देखो यहाँ पे एक पतंग गिरी हुई है। अरे फट ना जाए यार, बताया मैं अचानक से इधर आया हूँ, यहाँ बेसिन बना हुआ यहाँ पे मुंह धोने के लिए, तो ये अचानक से देखा पतंग गिरी थी। रुको इसको दे देते हैं, बेचारा उड़ाया गया, मांग रहा था पता नहीं कब से। ओ छोटू तो कैसे देंगे ये बताओ, लंगड़ लंगड़ मत रस्सी फेंको, इन सब का भाषा भी अलग होता है ना, रस्सी को बोल रहे हैं कि लंगड़। इधर रुक जा रुक जा। ये तो बड़ा वाला बंजा रखा है, हम लोग बंजा बोलते थे इसको। रील जो आती है ना, जो तागा होता है, वो दो रंग का आता है, एक काटने वाला होता है, एक नॉर्मल कटने वाला होता है, तो हम लोग इसको बंजा बोलते थे अपने गांव पे। इधर देखोगे तो नीला है और इधर देखोगे तो पीला है। तो भाई साहब देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:10 और यार अभी जाके वाईफाई सही हुआ है, यूट्यूब वगैरह चलने लगा सब अच्छे से। 4 तक मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ, वैसे भी 7 बज गया है, तो फटाक से इसको अपलोड करके कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि 9 बजते ब्लॉग को मैं पब्लिश कर दूँ। टाइम 10:03 हो गया है और यार भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, खाना खाने बहुत तेज़ भूख लगी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से अगले वाले वीडियो में।